पिछले कई दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाया। कारण जो भी रहे हो, लेकिन ब्लॉग नहीं डालना, कंटिन्यूटी नहीं रखना बहुत बुरा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो पिछले कुछ दिनों में किया है उसे थोड़ा थोड़ा जो शूट किया है उसे आप तक पहुंचा सकूं। इस बीच मैं पतरातू भी घूम कर आया हूं और पतरातू के कुछ सीन्स हैं इस वक्त जो आपको देखने चाहिए। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और चलते हैं पहले पतरातू। प्रोफेशनल हो गई है। पहले आप वोटिंग के लिए आते थे तो आपको लकड़ी के नाव मिलती थी, लेकिन अब इस तरह के प्रोफेशनल यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को ही ये कोशिश है कि रोज़गार दिया जाए। और इस तरह के लाइफ जैकेट के साथ आप वोटिंग के लिए जाते हैं। पहले जो लाइफ जैकेट यहाँ मिलता था, मैंने कई बार वोटिंग की है तो बता सकता हूँ आपको कि वो बहुत पतला और हल्का होता था, लेकिन ये लाइफ जैकेट आपको नेक गार्ड के साथ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पतरातू में शुरू हुई हैं। बहुत मजा आ रहा है, अरे क्या नजारा है, देखने में आनंद आ गया। हाँ क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भैया, मस्त चलाया। ऊपर से सारा पानी से डरते हैं। हिम्मत कर गया बहुत सारे बुक्स पढ़नी है। और नेक्स्ट ईयर मेरा है कि मैं अपने ढेर सारे फ्रेंड्स से मिलूंगी जो मेरे हिमाचल में रहते हैं उनसे, और यहाँ के फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी अगले साल बहुत सारा धमाल मस्ती करने का मेरा मूड है। और दूसरा रेजोल्यूशन नहीं मनाते हैं, बनाते नहीं तब कैसे बताएंगे। पतरातू के बाद इस सप्ताह ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, कल मैं जरूर कुछ जगहों पर घूम कर आया हूँ, लेकिन कैमरा नहीं ले गया था। तो मैं कल गया था बेड़ो साई मंदिर और घघारी फॉल, बहुत ही अच्छी जगह है, मंदिर भी है वहाँ पर। तो कैमरा नहीं ले जा सका था इसलिए शूट नहीं कर पाया। फिर कभी उस जगह की तस्वीर, उस जगह का वीडियो आपको दिखाऊंगा जब कैमरा ले जा सकूंगा।